सो हेलो एवरीवन, इट्स मी अर्षित फ्रॉम स्काई टेक। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी गोइंग टू लेट यू नो कि किस तरीके से आप अपना फ्यूचर ग्राफिक बना सकते हो किसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए, या फिर और भी काफी सारे रीजंस होते हैं। तो आज देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना एक फ्यूचर ग्राफिक बना सकते हैं 124x500 पिक्सल का। तो चलिए यहाँ पर अपना फ्यूचर ग्राफिक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने कैनवा को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने कैनवा का एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, आप canva.com को विजिट भी कर सकते हैं। एंड वहां पर आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। तो उसको अकाउंट को बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का होम स्क्रीन पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको वहां पर होम स्क्रीन पर ही आपको क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उस पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एंड उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम साइज का। तो आपको कस्टम साइज में आ जाना है एंड वहां पर आपको सेलेक्ट करना है 1024x500 पिक्सल। तो आपको ये बेसिकली एंटर करना होगा, बट मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन शो कर रहा है जिसपे क्लॉक बनी आ रही है। तो आपको 1024x500 पिक्सल इस तरीके से कुछ यहाँ पर एड कर देना है, 1024x500 पिक्सल। इसको करने के बाद आपको जैसे ही क्रिएट न्यू डिजाइन पर करते हैं, आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो न्यू टैब में खुल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इजीली इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक थीम पहले से ही बना रखी है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अपने कैनवा में कुछ इस तरीके की आपको खाली शीट, ब्लैंक शीट देखने को मिलेगी। आपको एलिमेंट्स में जाना है या फिर आप इवन टेम्पलेट्स में जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे साइज के। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट है जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। तो लेट मी सर्च ऐप। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे और आप उनमें से कोई एक भी चूज करके उसको वहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं और आप चाहें तो आप अपना कस्टम यहाँ पर टेम्पलेट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कुछ इस तरीके का टेम्पलेट, तो आप इजीली इनको यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। लेट मी चूज दिस वन। ओके, तो यहाँ पर ये वाला थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बेसिकली यही थीम है जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसी थीम को यहाँ पर मैंने मॉडिफाई करके जो मेरा ऊपर वाला थीम बना ये वाला, तो ये हमारा पुराने एप्लीकेशन जो मैंने पब्लिश करा उसके लिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये थीम चूज कर लिया, मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा इन्फो दिखाई देता हूँ, उसको आप इजीली सर्च कर सकें। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे ब्लू एंड ग्रीन कैजुअल कॉर्पोरेट ऐप डेवलपमेंट लिंक्डइन स्पॉन्सर कंटेंट। तो आपको ये वाला यहाँ पर सर्च करेंगे इस साइट को सिलेक्ट करके, तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन क्या करना है, आपको सेलेक्ट करने के बाद अपना लोगो यहाँ पर अपलोड करना है। तो लोगो अपलोड करने के यहाँ पर टू ऑप्शन हैं, आप या तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए एंड सेकंडली आप फोल्डर्स में अपलोड्स में जाइए एंड यहाँ पर अपलोड मीडिया को सेलेक्ट कर दीजिए। एंड एक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर हम लोगो का अपलोड करते हैं अपना। तो यहाँ मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया है एंड मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा लोगो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इस लोगो को एक अच्छी सी लोकेशन पर आपको शिफ्ट कर देना बस। एंड आफ्टर डेट आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अप्लाई कलर्स टू, जैसे ही आप पेज करते हैं सारे कलर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर बदल जाएंगे आपके लोगो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही काफ़ी अजीब लग रहा है, तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ एंड सिमिलरली दिस वन। तो यहाँ पर मैं इसे एक कॉर्नर में शिफ्ट कर देता हूँ एंड इधर थोड़ा वाइट सा रहा है तो थोड़ा मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ मेरे लोगो में। ओके, तो ये परफेक्टली मैच कर रहा है बैकग्राउंड को। और अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे अप्लाई कलर्स टू पेज अगेन करेंगे तो यहाँ पर कलर्स चेंज होते जाएंगे जब तक जितनी बार आप क्लिक करेंगे। तो ये वाला भी अच्छा नहीं है एंड सिमिलरली दिस वन। ये थोड़ा नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है काफ़ी ठीक लग रहा है, ये ब्लू वाला, ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन, तो मैं इसको ही रहने देता हूँ। एंड इसके बाद आपका जो मेन काम आता है वो आता है अपने इसको चेंज करना। तो यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए अपने एप्लीकेशन का जो फ्यूचर ग्राफिक में जो भी कंटेंट डालना है वो कर सकते हैं। तो लेट से यहाँ पर मैं नीचे डाल देता हूँ अपने एप्लीकेशन का नेम। तो मेरे एप्लीकेशन का नेम है बबल मैन, तो लेट मी पेस्ट हियर बबल मैन। और यहाँ पर आप अपनी और डिटेल्स डाल सकते हैं, ये मेरा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने अपना इस एप्लीकेशन का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उसको जो भी इन्फो था, तो यहाँ पर ही मैंने बेसिकली जब इस एप्लीकेशन को पब्लिश करने वाला था तो उसका शॉर्ट इन्फो बनाया था, तो उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट करके इसी में यूज करने वाला हूँ। तो लेट मी पेस्ट इट हियर एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं
ई लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने ई नहीं लगाया। तो ओके, तो यहां पर ये मेरा फ्यूचर ग्राफिक बनके पूरा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप इजीली अपना फ्यूचर ग्राफिक बना सकते हैं एंड ये देखने में भी काफी ठीक लग रहा है। तो ये मेरा पहले वाले एप्लीकेशन का था, तो इस वाले का ये रहा। तो जल्दी से इसे डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए, जहां पर भी आप यूज करना चाहते हैं। तो डाउनलोड के लिए आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद पीएनजी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पीएनजी सिलेक्टेड रहने दीजिए और आई प्रेफर एंड आई प्रेफर यू क्या पीएनजी में ही डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें जेपीईजी या जेपेक की जेपेक से ज्यादा यहाँ पर ग्राफिकल क्वालिटी आती है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग लेगा एंड उसके बाद डायरेक्टली आपके लोकल सर्वर में डाउनलोडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जिप में आ रहा है, तो एक बार से कैंसिल करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने गलती से दोनों को ही सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, सिर्फ एक को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको शेयर करता हूँ एंड डाउनलोड में जाता हूँ एंड यहाँ पर हमारे देखिए टू पेजेस सेलेक्टेड आ रहे हैं। तो आपको उसको क्या करना है, अगर आपने भी दो बनाए थे डिजाइन, तो आपको किसी एक डिजाइन को डाउनलोड करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड डाउनलोड। तो इस बार मेरी ये सिंपल एक डिजाइन जो है पीएनजी फाइल मेरी डाउनलोड हो जाएगी। तो लेट मी सेव दिस। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है कि इस नाम से कोई पीएनजी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है। तो क्या, तो चलिए मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट, मैं इसे एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपना फ्यूचर ग्राफिक बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस।